इतना प्यार मिला यहाँ पे ना कि बोलो ना, मेरे को तो रोना आ रहा है, मेरे को भी रोना आ रहा है यार। क्या नाम है? इंडिया, सलाम अलैकुम। पता भी नहीं चला और उन्होंने बेग बिल पे कर दिया और बहुत ही खूबसूरत सी लड़की दिया, एकदम क्यूट सी प्यारी सी। तो भाई लोग, जैसा कि आप देखा था नाइट में, हमें सुल्तान मिर्जा भाई ने हमें छोड़ दिया था होटल तक, और होटल के बाद की कहानी है कि सुबह रेडी वेडी हुए और बैग पैक है हमारा, और जिस होटल से हम जर्नी स्टार्ट किए थे उसी होटल में इन भी कर रहे हैं। तो ये हमारा बैग पैक रेडी है और अजीत का भी रेडी है, इधर देख लो। ऑल सेट गाइस, ऑल सेट, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक अमेजिंग जर्नी के साथ, एक एडवेंचर जर्नी के साथ। बवाल मचाने वाले हैं इस बार हम लोग पूरा का पूरा। अभी तक हमने जो जर्नी की वो तो थोड़ा बहुत ऐसा होता, लेकिन अब जो हम जर्नी करने वाले हैं एकदम से बवाल होगा गाइस, बवाल। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब इट नाउ गाइस। तो भाई जैसा कि अजीत ने बोला, सब्सक्राइब करें, और यहाँ का एक्सपीरियंस इतना ऑसम रहा ना यार। हम आते हुए जो फ्लाइट में डर रहे थे ना, फ्लाइट में तो एक आदमी ने मुझे बोल दिया तालिबान उठा के लेके चले जाएंगे, एक्चुअली उठाया भी था लेकिन तो भाई एक्सपीरियंस बहुत ही ऑसम रहा। और लास्ट का एक्सपीरियंस, लास्ट डे और लास्ट अभी का आधे घंटे का एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, वो अच्छे से डिटेल में बताऊँगा, जो इतनी ऑसम एक्सपीरियंस हुई ना अभी कि क्या बताऊँ मैं। तो चलते एयरपोर्ट, वहीं पर बैठ के बताएंगे आपको। सो फाइनली गाइस, अफगानिस्तान छोड़ने का टाइम आ गया है, और मैंने अभी सारे इमिग्रेशन कस्टम जो भी बोलो सब क्लियर करके बोर्डिंग पास लेके अभी फ़्लाइट के लिए वेट कर रहा हूँ। मेरी फ़्लाइट है 5:30 बजे और अभी बज रही है 2। जल्दी आने का कारण था कि वो बैठ के करते क्या, तो इधर ही सोचे टाइम पास कर लेंगे, एयरपोर्ट में बैठेंगे। और सिक्योरिटी इतनी टाइट है यार, हमारा 6 बार चेकिंग हुआ, 6 बार बोर्ड टिकट चेक हुआ, बहुत ही एकदम सिक्योरिटी टाइट है यहाँ पे। और अभी बैठे हैं, और एक इंसिडेंट आपको जो बता बोल रहा था, अभी निकलने से पहले हम लग खाना खा रहे थे होटल में, तो हमें मतलब जैसे ही हम खा रहे थे तो एक लड़की आई है, स्माइल करके पूछी इंडियन हो ऐसे करके, तो
भाई हमने बताया कि हाँ इंडियन है, तो हम खाना खा के जा रहे थे बिल पे करने, और उन्होंने हमारा बिल पे कर दिया भाई, तो हमें पता भी नहीं चला और उन्होंने बिल पे कर दिया। और बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी यार, एकदम क्यूट सी, प्यारी सी, और उन्हें मतलब शायद इंडियन, यहाँ पे लोग इंडियन को बहुत पसंद करते हैं, तो ऐसा सीन है भाई। तो ये बताना, लास्ट में जाते जाते इमोशनल कर दिया यार मुझे तो अफगानिस्तान ने पूरा। तो ये ऐसा सीन है भाई, बाकी का अभी वीडियो इन नहीं करेंगे, और जो भी एक्सपीरियंस होता है और भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो मिलते हैं दुबई में, और तब तक लिए बने रहे चैनल पे, और लाइक करें वीडियोस को, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें जो न्यू है, जो वीडियो पे अभी नहीं देख रहे हैं, नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें भाई, तो सपोर्ट करें तो मोटिवेशन मिलती है हमें, तो बने रहे चैनल पे। फाइनली भाई बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, बजे हैं 5:45, तो चलते हैं और फ्लाइट में, और हमारी एक काम एयर की फ्लाइट। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, देख लो। तो देख रहे हो बेचारे को बहुत इमोशन हो गया है भाई, इतना प्यार मिला यहाँ पे ना कि बोलो नहीं। मेरे को तो रोना आ रहा है, मेरे को भी रोना आ रहा है यार, जाने का मन नहीं कर रहा है लेकिन जाना पड़ेगा, और भी देश घूमना है। सब हमारी काम एयर के बैठ गए सब लोग, और देखो लंबी भीड़ है भाई। तो फाइनली गाइस पहला है फ्लाइट में, और टाइम कितना वाला है भाई, 5:05 अफगानिस्तान टाइम का है। और फाइन रिक्वेस्ट किया, बहुत ही अच्छे थे जो एयरलाइन वाले थे, हम दोनों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई हम दोनों को साथ में सीट दो, तो साथ में सीट मिल गई है, और मेरी विंडो है और बगल में, तो अच्छे लगे। और पीछे भी एक भाई हैं भाई, उनसे अच्छी बातें हो रही थी, बोले आप दोस्तों सीख, नहीं नहीं अभी खाना आएगा, अभी खाना आता है ना, तो बहुत मज़े से बात चल रही थी। और जो भी होता आगे मिलते हैं बताते हैं आपको। हाँ मैं बताना भूल गया यार, मैं अभी हूँ दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ से मैं फ्लाई कर रहा हूँ दुबई के लिए। और हाँ यार बताना भूल गया मैं तो कि मैं भी दिल्ली से हूँ, और दिल्ली एयरपोर्ट कैसे आ सकते हैं, तो मैं तो मेट्रो लिया था भाई, न्यू दिल्ली से आपको एक्सप्रेस ट्रेन मिल जाता है, बस 20 मिनट लगेगा आपको एयरपोर्ट पहुंचा देगा, और 2 मिनट आपको टर्मिनल 3 में के लिए आने के लिए वॉक करके आ सकते हैं।